हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आईपी सॉल्यूशन में। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार दरोगा की नई वैकेंसी आ गई है, तो उसके लिए मैं टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ जिससे आपको सफलता में आसानी मिले। तो देखिए, ये ज्योग्राफी का हमारा 1000 MCQs का सेट नंबर 2 है, और आप लोग जैसा कि मांग कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आइए, और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि सितंबर महीने में बिहार SI मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो पिछले बार प्री का अभी रिजल्ट आया है। बाकी ये न्यू वैकेंसी के लिए भी है, और जो आप लोग मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए, दोनों एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, तो बहुत ही जल्द मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ओके, और ये प्रैक्टिस सेट आपको सुबह में मिलेगा। ये प्री और मेंस दोनों का इंक्लूड करके मैं लेकर के आऊँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब सेट नंबर 2। ये ज्योग्राफी भूगोल का क्वेश्चन होगा हमारा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन एक महान वृत्त है? इनमें से कौन है महान वृत्त, या इसको बृहत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा अक्षांश है जो एक महान वृत्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। ग्लोब पर ये मान लिया कि ग्लोब हमने खींचा है ना, ऐसे ये तो सही नहीं खींचा पा रहा है। ग्लोब पे ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पूरब से पश्चिम खींचते हैं। तो ये एक काल्पनिक रेखा होती है, ग्लोब पे सिर्फ खींचा जाता है, न कि पृथ्वी पे ये रेखा है। तो ये सबसे बड़ी वृत्त है या सबसे बड़ी रेखा होती है। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं, तो 23.5 डिग्री ऊपर का जो रेखा होता है नॉर्थ की ओर जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है, देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर 23.5 डिग्री हमने एक लाइन खींचा तो उसको मकर रेखा बोलेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हमने एक लाइन खींचा 23.5 डिग्री का, तो उसको मकर रेखा हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। इसको इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इक्वेटर इसको कहा जाता है। इसका आकार जैसे जैसे ध्रुव की ओर, पोल की ओर जाता है, वैसे वैसे इसका आकार छोटा हो जाता है। ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है डेटम रेखा। डेटम रेखा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि डेटम रेखा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान तथा भारत की सीमा रेखा है। तीसरा है यह तिथि रेखा है, तिथि रेखा या कैलेंडर रेखा इंगित करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो देशांतर के शून्य अंश से गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह डेटम रेखा जो है एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। ये भी डेटम रेखा भी एक काल्पनिक रेखा होती है, और इसके कहें तो जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की एल्टीट्यूड जो होती है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड गहराई या ऊंचाई मापी जाती है। डेटम जो है एक खुद स्वयं द्वारा निर्धारित अस्थायी वस्तु होते हैं, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपसे पूछा जाए कि 17वीं समानांतर रेखा ये किनके बीच में है, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। याद रखिएगा कि ये वियतनाम के बीच में है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है।
अगर 24वीं आपसे पूछा जाए, 24वीं समानांतर रेखा, तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान और भारत के बीच में है, और भारत द्वारा इसको मान्य नहीं है, मतलब कि भारत के द्वारा इसको मान्यता नहीं मिली है। अगर 49वीं की पूछा जाए, ये सब रेखा याद रखना है, 49वीं समानांतर रेखा, तो यह है अमेरिका, अमेरिका और कनाडा के बीच में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश, देखिए पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना जो है वो हम लोग अगर देखें तो 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री के पास ज़्यादातर होती है, अक्षांश रेखा के पास ज़्यादातर होती है। अब 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा में हम लोग देखें तो ये हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा भी आता है। जैसे ये हमारा जो है यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऊपर में 23.5 डिग्री अगर हमने खींचा, एक लाइन खींचा नॉर्थ में, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अगर हमने खींचा, है ना, तो इसको हम लोग मकर कहा हमने और इसको कर्क रेखा कहा। अब इसके बीच में, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ज़्यादातर जो है वो संभावना होती है मरुभूमि की। मरुभूमि कहने का मतलब कि मरुस्थल, रेगिस्तान बन जाते हैं ये क्षेत्र। ये इसलिए बन जाते हैं कि जैसे मान लिया कि यहाँ पे सूर्य है और सूर्य की रेखा जो है यहाँ पे, सॉरी, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधे पड़ती है, ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। विषुवत रेखा के बिल्कुल इर्द गिर्द, मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा तक जो है ये गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इस कारण से यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो मरुभूमि हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान कौन सा शैल क्रम, मतलब कि किस शैल क्रम में सबसे ज्यादा जो है वो कोयला हम लोगों को भारत में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने होती हैं उसमें उत्तम कोटि के कोयले भारत में मिलते हैं। आपको बता दूं कि लगभग 98% कोयला हम लोगों को भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलते हैं, बाकी 2% जो रेस्ट बच गया वो 2% तृतीयक और टर्सियरी युगीन चट्टानों में हम लोगों को मिलता है। और ये जो क्षेत्र है हम कोयला का जो क्षेत्र है वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में मिलता है। इसके अलावा झारखंड में, झारखंड क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, उड़ीसा में, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है, इस कारण से ये क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लिया कि एक जहाज है, ठीक है, ये एक जहाज है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ तक आना है, तो इसको जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, देशांतर रेखा। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए देशांतर रेखा के सापेक्ष होनी चाहिए। 180 देशांतर की अगर बात करें, 180 देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर क्या होता है, दिन कम हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है पूरब से पश्चिम अगर आप जाते हैं तो दिन कम हो जाता है, ठीक है, दिन कम हो जाता है, और यही जो है आप अगर पश्चिम से पूरब जाते हैं, पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो क्या होता है, दिन बढ़ जाएगा, दिन बढ़ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधान यमयोत्तर गुजरती है, गुजराती नहीं, गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है, एक और
ये जो है, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया और फ्रांस दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये अल्जीरिया से भी और फ्रांस से भी, तो ऑप्शन ई एक हो सकता था उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच में, मतलब कि हमारा बिहार किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य जो है वो 83 डिग्री, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूरब से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूरब पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, थोड़ा सा इसका थिकनेस कम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से उठते देखता है, देखा जाता है, तो वह अवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है कि यदि एक प्रेक्षक कोई आदमी है, अगर तारों को क्षितिज से ऊपर उठते हुए देखता है, कोई ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक ऑब्जर्वर, ठीक है, उसको लंबवत उठते हुए देखता है, लंबवत, ठीक है, लंबवत उठते हुए देखता है, तो वह अवस्थित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर तारों को क्षितिज से लंबवत ऊपर की ओर उठते हुए देखा जा सकता है, इसका कारण वहां की विशेष वायुमंडलीय स्थिति है। ठीक है, वायुमंडलीय स्थिति, इसके कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है? अच्छे से सोच समझ करके आंसर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा दोनों ध्रुवों के ठीक बीचों बीच बिल्कुल गुजरती है। ठीक है, धरातल पर ये जो वृत्त खींचा जाए उसको जो है काल्पनिक वृत्त को भूमध्य रेखा हम लोग कहते हैं। ये सब कुछ जो है वो मैंने तो बता ही दिया कि बिल्कुल बीचों बीच खींचा जाता है, और ये जो है इक्वेडोर से, कोलंबिया से, केनिया से, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से, दक्षिण अमेरिका में ये गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, किनिया, सोमाली, मालदीव, इंडोनेशिया, इन सब देशों से होकर के ये गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक कौन सा शहर है इन चार ऑप्शन में? देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है ना, ये जो है कोलंबो जो है सबसे पहले जो है इसके नजदीक है कोलंबो, और कोलंबो के बाद है जकार्ता। ठीक है, कोलंबो कहाँ पे है? सॉरी, इसका सही आंसर है डी, सिंगापुर। और इसके बाद कोलंबो भी है, जकार्ता भी है, सिंगापुर भी है, ये सब भी गुजरते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कहाँ पर होती है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधान देशांतर पर, प्राइम मेरिडियन लाइन इसको बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। ये गुजरती कहाँ से है ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो ये ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से, है ना, ब्रिटेन के ग्रीनविच से ये होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार काटती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन विषुवत रेखा को दो बार काटती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जायरे नदी। अफ्रीका की कांगो, या अफ्रीका में है ये, ठीक है, ये अफ्रीका की नदी है, इसको कांगो भी कहा जाता है।
कांगो या जायर नदी विषुवत रेखा को ये दो बार काटती है। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें कि इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जून की 21 तारीख को सूर्य कहाँ पे होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 सोच समझ कर अगर आप लोग कमेंट में भी आंसर करेंगे तो बेहतर है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर संपूर्ण वर्ष, पूरे वर्ष जो है वो कर्क और मकर संक्रांति सहित अगर देखें तो दिन रात जो है वो 12-12 घंटे का होगा। ठीक है, जब सूर्य जो है वो विषुवत रेखा को पार करते हुए कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, ठीक है, सूर्य जो है वो विषुवत रेखा को पार करते हुए इधर की ओर बढ़ेगा, कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इसको कर्क संक्रांति कहा जाता है। ओके, और यह संक्रांति जुलाई महीने में होता है, जुलाई महीने में पड़ता है, और इस दौरान विषुव रेखा पर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि 12-12 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से देश से मकर रेखा गुजरती है? किस देश से मकर रेखा गुजरती है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, खास करके दारोगा के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है बोत्सवाना, बोत्सवाना से। ठीक है, देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, आपको तो पता ही है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, नामीबिया इसके अलावा बोत्सवाना, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक यहाँ से होते हुए गुजरती है। ठीक है, इसके बाद है इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न शुरू होती है, तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे से सुनी जा सकेगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है, अच्छे से थोड़ा सा सोच समझकर आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3:30 अपराह्न में। इंग्लैंड में क्रिकेट कमेंट्री अगर 10 बजे होता है तो यहाँ पे पूर्वाह्न या 10 बजे सुबह होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारा उनके समय से 5.5 घंटे आगे है, हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, और ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ना, नैनी। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को पता है कि मैं अनएकेडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ और डेली आपको ये फ्री क्लास मिल रहा है, मैं फ्री क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को। आप अगर दारोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली मैं 3 से 4 वीडियो अनएकेडमी पे भी आपको फ्री में दे रहा हूँ। अब इसमें मैं टेस्ट लेता हूँ, जैसे अभी किसका किसका टेस्ट चल रहा है मैं बताऊँगा। इस टेस्ट में अगर आप टॉप करते हैं तो मैं आपको कुछ अवार्ड भी देता हूँ, अवार्ड के रूप में आपको मैं बुक दे रहा हूँ। अभी आपको बता देता हूँ क्लासेस के बारे में, अभी शाम को 5 बजे डेली लूसेंट का मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ, और ये दारोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और ये क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे आपको नहीं देने हैं। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, आज ही आइए 5 बजे शाम को, तुरंत आइए और टेस्ट लगाइए और बेहतर स्कोर करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा स्पेक्ट्रम जो कि यूपीएससी से लेकर के सभी पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका चैप्टर वाइज में एमसीक्यूज लेकर के आ रहा हूँ, सबका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और ये सुबह 11 बजे में लेकर के आ रहा हूँ अनएकेडमी पे। और साथ ही बिहार जीके के लिए मैं क्राउन बुक का एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज दोपहर 1 बजे। तो फिलहाल इतना क्लास बिल्कुल फ्री मिल रहा है आप लोगों को, तो आप लोग आइए। जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉप करते हैं, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि यहाँ पे पोलिंग की सुविधा नहीं है यूट्यूब पे, तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट जो है वो टॉपर हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पे आपका टेस्ट ले रहा हूँ, वहाँ पे पोलिंग ये सब सारा कुछ है, मुझे पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट ने कितने सही की कितने गलत किए। ठीक है, तो आप लोग जो है आइए वहाँ पे और टेस्ट लगाइए, ये दोपहर 1 बजे होता है, टाइमिंग सारा कुछ मिल जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी क्लास का मिल जाएगा, आप वहाँ पे जरूर आएँ और मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अभिमन्यु सिंह सर्च कीजिएगा, मैं मिल जाऊँगा और फॉलो जरूर करेंगे और समय से आप क्लास भी जरूर कीजिए। तो मैं वहाँ पे बीपीएससी और जेपीएससी दोनों कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी होता है, पेड कोर्स भी है। तो अगर आप लोग पेड में भी जाना चाहते हैं बीपीएससी 66वीं की तैयारी करने के लिए या जेपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो मैं मेरा रेफरल कोड है अभिमन्यु लाइव कोड, अगर यूज की करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने में तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप जैसा समझें, आप फ्री, लेकिन आप फ्री के क्लास में इन सब क्लास में जरूर आइए। अगर आप पास करेंगे तो ये सब बुक जो है आपके घर पर दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मैं सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पे शेयर करते रहता हूँ, कैसे क्लास मिलेगा, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि दो स्थानों के बीच में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 घंटे का। 1 डिग्री देशांतर अगर हम लोग देखें तो इस पर 4 मिनट है ना, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर जो है वो पार करने में, तो यहाँ पे 15 है, अगर हम लोग देखें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का हम लोगों को समय लगेगा, है ना, 60 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे है कि 90 डिग्री देशांतर अगर हम लोगों को पार करना है तो कितना लगेगा, 90/15 हम लोग कर देंगे इसको, है ना, तो 6 घंटे का समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर के। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर के खींचा जाता है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण के लिए वाशिंगटन में 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी की सभा हुई थी और ये प्रशांत महासागर से होकर के जो बेरिंग जलसंधि है उससे गुजरता है और यह जो है 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है और इसके पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन जो है वो घट जाता है, पूरब से पश्चिम जाने पर, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, जाने पर, और पश्चिम से पूर्व आएंगे तो क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है, अभी जस्ट मैंने बताया है 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का, तो इसमें तो एक्सप्लेन भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है, कर्क तथा मकर रेखाएं कहां से होकर के गुजरती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति अगर देखें तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी है। ठीक है, ये अगर देखें तो ऐसे है, इधर कर्क रेखा है तो ऐसे है इसकी अवस्थिति। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों जो है यहाँ से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर
23 है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, इसका राइट आंसर है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ठीक है, जिबूती होगा। 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे है आइसोबार वायुदाब, आइसो हाइट वर्षा, आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, आइसो बार गहराई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा। आइसोबार की अगर हम लोग बात करें तो आइसोबार समदाब को दर्शाने वाले काल्पनिक रेखा होते हैं। आइसो हाइट की बात करें तो ये वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को, मान लिया कि यहाँ भी वर्षा उतनी हो रही है, यहाँ भी 120 सेंटीमीटर हो रही है, यहाँ भी 120, तो ये जो मिलाने वाली रेखा होगी उसको आइसो हाइट कहते हैं हम लोग। आइसो बाथ की अगर हम लोग बात करें तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को, मान लिया कि समुद्र है और समुद्र के अंदर यहाँ पे भी उतनी ही गहराई है और यहाँ पे भी उतनी ही गहराई है, तो इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसको आइसो बाथ कहेंगे हम लोग। ठीक है, और इससे जो है वो खारेपन की मात्रा प्रदर्शित होती है कि इसकी खारेपन, मान लिया कि यहाँ भी उतनी ही गहराई है, यहाँ भी उतनी है, तो दोनों का खारापन क्या होगा। ठीक है, सॉरी, ये जो है, हाँ, ये आइसो हेलाइन इसको बोलते हैं, सॉरी, ये जो है आइसो हेलाइन होता है, बर्फ वर्षा ये नहीं होती है। ठीक है, आइसो हेलाइन जो होता है वो खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, खारेपन की मात्रा। ठीक है, और समुद्र की जो गहराई होती है वो दोनों की, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसो बाथ हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन, शंघाई। ये जो है राजधानी से संबंधित है, चीन की राजधानी है बीजिंग, लेकिन यहाँ पे शंघाई है, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और रूस का मास्को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच 5 प्रदेशों में पाई जाती है। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समान चुंबकीय झुकाव होगा यहाँ पे। ठीक है, झुकाव वाली रेखाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। पूरे वर्ष रात और दिन कहाँ पे बराबर होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पे। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लोब पर उच्च वायुदाब की कितनी मेखलाएं पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की 4 मेखलाएं पाई जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 डिग्री। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो ये 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधान मध्याह्न रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह अवस्थित है। इसका सही आंसर है, देखिए यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको 0 डिग्री हम लोग बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, और ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसको जाना। इस रेखा का उपयोग जो है वो विश्व के अलग अलग देशों के साथ गणना के लिए किया जाता है, और यह रेखा जो है यहाँ पे इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार।
तो ये था आज का 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, तो कल से ये सुधार होकर के आप लोगों को मिलेगा, इसके लिए सॉरी। बाकी अगर आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए, अभिमन्यु सिंह सर्च कीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा। और आज ही 5 बजे लूसेंट का टेस्ट है, आप लोग जरूर आइए। जेपीएससी कैटेगरी में वो क्लास आप लोगों को मिलेगा। आप लोग बीपीएससी और जेपीएससी दोनों कैटेगरी वहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।